हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल शाह, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज एक एम्पलीफायर बनने आया जो एक मस्जिद में लगा हुआ था, जिसमें आवाज़ एक चैनल में सही है, दूसरे चैनल में आवाज़ सही नहीं है। उसमें क्या सीटी जैसी आवाज़ आती है, लेकिन वो FM जब चलाते हैं तो FM की आवाज़ दोनों तरफ से सही है, सिर्फ CD प्लेयर के जो आवाज़ है वो एक साइड नहीं है, एक दूसरे साइड है। उसको देखेंगे कैसे ठीक होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें फॉल्ट कैसे है। तो आपने समझ गए होंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें DVD प्लेयर में जो कैसेट की आवाज़ है उसमें सिग्नल जो सिटी की आवाज़ है और FM क्लियर है। ओके, तो इसमें एक तो वायरिंग की जो तार की वायरिंग होती है, अगर ऑडियो के पास से गुजरती है तो उसमें भी सिटी की आवाज़ आती है। और दूसरी, अगर ये जो DVD कार्ड है, अगर उसमें अंदर से DVD प्लेयर का जो कार्ड के अंदर से IC की तरफ से अगर उसमें से सिटी आ रही है तो उसको फिर देखेंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप घंटी के बटन दबाएंगे तो जो भी मैं इस टाइप का जो मैकेनिकल काम आपके बारे में दिखाऊंगा तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। अभी इसमें देख रहे हैं कि ऑडियो काली में और लाल में दोनों है। काली में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उधर स्पीकर की जो तार है जो एक चैनल में लगी है, लाल वाला, लाल की ऑडियो आ रही है लेकिन इसकी नहीं आ रही। एम्पलीफायर की जो है दोनों तारें जो आती है ऑडियो की, उसको बदल के देख लेते हैं उससे हो रहा है क्या। अभी उससे कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा। तो अब इसके बाद जो CD प्लेयर की जो तार आती है, CD प्लेयर जो DVD कार्ड से जो ऑडियो की तार आती है उसको देखेंगे, वहाँ से कोई दिक्कत है क्या। तो अभी देखिए, अभी इसको लगाते ही आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। मुझे इस जहाँ की तरह जना
आपने देख लिए फॉल्ट क्या है, जो डीवीडी प्लेयर के जो डीवीडी कार्ड से जो तारे आ रही है सफ़ेद और ब्लू और एक अर्थ की है तो ग्रीन वाली, और सफ़ेद ब्लू में एक जो है सफ़ेद वाली उसकी सिग्नल सही है और जो ब्लू वाली है उसके सिग्नल सही है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कार्ड तो बदलेंगे नहीं लेकिन इसके बदले में दोनों का ऑडियो एक साथ जोड़ देंगे और ये 100% ओके चलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो आपने देख लिए कि क्या कैसे रिपेयर किए, इसमें ब्लू वाली तार जो थी उसकी ऑडियो ख़राब थी, उसको मैंने काट के अलग कर दिए और उन दोनों को ऑडियो जो चाहिए थी सिर्फ सफ़ेद वाले में दोनों को कनेक्ट कर दिए। इस तरह से ठीक हुआ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।